हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज के इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं क्लास 10th के चैप्टर सर्कल की एक सिंपल सी प्रॉब्लम। और यही सेम प्रॉब्लम सीबीएसई के सैंपल पेपर 2023 के सेक्शन बी में भी दी हुई है। देखिए, इस प्रॉब्लम में क्या है कि एक क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है, क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, ठीक है। और इस क्वाड्रिलेटरल के जो चार वर्टिसेस है ए बी सी डी, इनको सेंटर बनाते हुए यहां से एक 7 सेंटीमीटर की आर्क ड्रॉ की गई है। वर्टेक्स ए से भी 7 सेंटीमीटर की आर्क, वर्टेक्स बी से भी, वर्टेक्स सी से भी और वर्टेक्स डी से भी। तो ये चारों वर्टेसेस से 7 सेंटीमीटर रेडियस की एक आर्क ड्रॉ की गई है। और हमें क्या करना है, हमें इन चारों सेक्टर्स जो कि इन आर्क से सेक्टर्स बने ना, ये चारों सेक्टर्स के एरिया फाइंड करने हैं। मतलब ये जो शेडेड रीजन है इनके एरिया को फाइंड करके इन्हें एड करना है। चलिए शुरू करते हैं। एक फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ सेक्टर निकालने का। एरिया ऑफ सेक्टर होता है थीटा अपॉन 360 डिग्री मल्टीप्लाइड बाय पाई आर स्क्वायर। इसमें थीटा क्या होता है, थीटा जो होता है वो होता है एंगल ऑफ सेक्टर, ठीक है। और जो आर है, आर होती है रेडियस ऑफ सेक्टर, और यू कैन से रेडियस ऑफ द आर्क। तो यहां पे देखो, यहां पे हमें थीटा तो दिया नहीं है, हमें क्या पता कि ये एंगल ए क्या है, एंगल डी क्या है, एंगल सी क्या और एंगल बी क्या है, ठीक है। क्योंकि ये जो एंगल्स है, एंगल ए बी सी डी, यही तो थीटा का रोल प्ले करेंगे यहां पे। तो मैं ये काम करता हूं, मैं यहां पे जो एंगल एट ए है इसे मैं थीटा 1 एज्यूम कर लेता हूं, एंगल एट बी को मैं थीटा 2 बोल लेता हूं, एंगल एट सी को मैं लिखता हूं थीटा 3 और एंगल एट डी को मैं लिखता हूं थीटा 4। तो इस तरह से ये जो सेक्टर है, सेक्टर एट ए, इसका एरिया क्या होगा, A1 ले लेता हूं, से मैं कंसीडर करता हूं, इसका एरिया होगा थीटा 1 अपॉन 360 डिग्री मल्टीप्लाइड बाय पाई 7 स्क्वायर। और ये जो एरिया है सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा, क्योंकि ये जो रेडियस है वो 7 सेंटीमीटर है। ठीक इसी तरह से A2, एरिया ऑफ सेकंड सेक्टर जो कि यहां पर बना हुआ है, इसका एरिया होगा थीटा 2 अपॉन 360 डिग्री पाई 7 स्क्वायर। बिल्कुल ठीक इसी तरह से एरिया 3 जो थर्ड सेक्टर का एरिया है वो होगा थीटा 3 डिवाइडेड बाय 360 डिग्री पाई 7 स्क्वायर। और सिमिलरली फोर्थ सेक्टर, ये वाला सेक्टर एंड डी, इसका एरिया होगा थीटा 4 डिवाइडेड बाय 360 डिग्री पाई 7 स्क्वायर। अब हमें थीटा 1, थीटा 2, थीटा 3 और थीटा 4 ये पता तो नहीं है, लेकिन हाँ मैं इन सारे एरियाज को ऐड कर रहा हूं क्योंकि मुझे टोटल एरिया चाहिए जो शेडेड रीजन का है। तो इनको ऐड करने पर मुझे मिलेगा, देखिए इन चारों एरियाज को मैंने ऐड कर दिया है और मैं ये देखता हूं यहां के इन चारों एरियाज में पाई 7 स्क्वायर और 360 डिग्री ये कॉमन है, ये इन चारों में कॉमन है। तो कॉमन जो क्वांटिटी होती है उसे मैं आउटसाइड द ब्रैकेट्स लिख सकता हूं, तो इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूं और ब्रैकेट्स के अंदर क्या होगा थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3 प्लस थीटा 4। अब देखिए थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3 प्लस थीटा 4 ये क्या चीज है, इस क्वाड्रिलेटरल के चारों वर्टेक्स एंगल्स का एडिशन सम। और किसी क्वाड्रिलेटरल के चारों वर्टेक्स एंगल्स को अगर हम ऐड कर देते हैं तो हमें क्या मिलता है 360 डिग्री। तो इसकी जो वैल्यू है, इसकी जगह मैं 360 डिग्री लिख सकता हूं, तो मैं लिखूंगा पाई 7 स्क्वायर 360 डिग्री मल्टीप्लाइड बाई 360 डिग्री, ये कैंसिल हो जाएंगे। तो इस तरह से ये एरिया क्या बनेगा, ये एरिया बनेगा पाई 7 स्क्वायर, पाई की वैल्यू मैं लिखता हूं 22/7, 7 मल्टीप्लाइड बाय 7, ये कैंसिल। तो इस तरह से जो एरिया ऑफ शेडेड रीजन आपका क्या बना, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर।